रोहतक MLC चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। स्नातक और शिक्षक MLC चुनाव को बेहद शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए और आम जनमानस को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने पूरे चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वहीं मैनपुरी की जनता और स्नातक शिक्षक MLC चुनाव के वोटरों से अपील की है। उन्होंने चुनाव को COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दिए जाने और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा है। और क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। शिक्षक स्नातक 2020 निर्वाचन हेतु जो 1 दिसंबर को तैयारियां हैं उस सब पूर्ण कर ली गई हैं। कुल 12 केंद्र हैं, 36 बूथ हैं, सभी जगह माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, पुलिस कार्मिक भी तैनात किए गए हैं। सभी तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, सभी जगह नियमों का पालन किया जाएगा। कोई इसमें निर्वाचन में यदि बाधा लाने का प्रयास करेगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। कृपया इसमें सहयोग करें, सभी से आग्रह रहेगा नियमों का पालन करें।